पहले एक नजर सुर्खियों पर। कैबिनेट की बैठक में कुल 18 एजेंडों पर लगी मुहर। विधान परिषद की 7 सीटों के लिए 2 जून से होगा नामांकन। बिहार के 4404 छात्रों को मिलेगी मेधा छात्रवृत्ति। G100 समूह की स्टेट चेयरपर्सन बनी बिहार की बेटी। लालू यादव के साथ पटना पहुंची मीसा भारती ने कहा, आज नहीं तो कल हमारी सरकार होगी। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कैबिनेट की बैठक में कुल 18 एजेंडों पर लगी मुहर। गुरुवार यानी आज सीएम नीतीश कुमार ने बिहार कैबिनेट की बैठक की। इस महीने की यह पहली बैठक थी। इस बैठक में कुल 18 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें बिहार राज्य अकस्मता निधि से 50 करोड़ की अग्रिम राशि की स्वीकृति प्रदान की गई। बिहार सिविल प्रोसीजियर अमेंडमेंट रूल्स 2022 को अधिसूचित किया गया है। बाढ़ में नवस्थापित राजकीय पॉलिटेक्निक के लिए विभिन्न कार्यों के लिए 72,79,00,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही जरूरी कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी है। विधान परिषद की 7 सीटों के लिए 2 जून से होगा नामांकन। राज्यसभा का नामांकन शुरू हो चुका है और अब बिहार विधान परिषद के लिए नामांकन की तारीख भी जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद की 7 सीटें 21 जुलाई को खाली हो रही हैं। इसके लिए चुनाव होना है, जिसके लिए नामांकन की तारीख जारी कर दी गई है। बिहार विधान परिषद के लिए 2 जून से नामांकन शुरू हो जाएगी, जिसकी अंतिम तारीख 9 जून है। नामांकन पत्रों की जाँच 10 जून को होगी, जबकि नाम वापसी की अंतिम तारीख 13 जून है। मतदान 20 जून की सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना भी इसी दिन शाम 5 बजे से होने वाली है। बिहार के 4404 छात्रों को मिलेगी मेधा छात्रवृत्ति। राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2022-23 का रिजल्ट SCERT ने जारी कर दिया है। इसमें बिहार के कुल 4404 विद्यार्थियों को सफलता मिली है। इनमें 2804 छात्र और 1600 छात्राएं शामिल है। SCERT द्वारा जारी किए गए रिजल्ट आप SCERT की आधिकारिक वेबसाइट SCERT.bihar.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। मालूम हो कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर यानी जिनके माता पिता की कुल वार्षिक आय 1.5 लाख से अधिक नहीं हो, उनके लिए इस छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई थी। बिहार के 17 जिलों को मिले नए डेवलपमेंट कमिश्नर। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 3 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर का तबादला किया गया है। इन्हीं में से एक से दूसरे जिले का DDC बनाया गया है। वहीं बिहार प्रशासनिक सेवा के 14 अफसरों की नियुक्ति डेवलपमेंट कमिश्नर के तौर पर की गई है। इसके अलावा सूचना एवं जनसंपर्क निदेशक अमित कुमार को प्रबंध निदेशक, बिहार संवाद समिति और अपर सचिव सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक दरभंगा के DDC तनय सुल्तानिया को पटना, शिवहर के DDC विनोद दुहन को गया और अरवल की DDC अमरीशा बैंस को दरभंगा का नया DDC बनाया गया है। IGIMS में नवजात शिशुओं के इलाज होगी बिल्कुल मुफ्त। जन्म के साथ ही किसी भी बीमारी से पीड़ित नवजात बच्चे का इलाज बिहार के बड़े अस्पतालों में से एक IGIMS में अब पूरी तरह से निःशुल्क किया जाएगा। नवजात शिशुओं का इलाज राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत होगा। इसको लेकर बीते दिन अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल की अध्यक्षता में IGIMS के वरीय डॉक्टरों और RBSK के वरीय पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस कार्यक्रम के तहत हृदय रोग, लिवर न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, कैंसर, किडनी, टेढ़ा जबड़ा, कटे होंठ, टेढ़े हाथ पैर समेत अन्य सभी बीमारियां इसमें शामिल होंगी। इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में जल्द होगी शिक्षकों की बहाली। बिहार के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों की नियुक्ति जल्द ही होगी। दरअसल मुख्यमंत्री बीते दिन एक कड़े मार्ग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के 893.60 करोड़ की लागत से बने 17 भवनों का उद्घाटन और 193.67 करोड़ से बनने वाले 5 भवनों का शिलान्यास करते देखे गए। इस दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिया कि जो भी पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग संस्थान बनाए जा रहे हैं उसमें जल्द से जल्द शिक्षकों की बहाली की जाए, साथ ही जो भी संसाधन की जरूरत हो उसकी व्यवस्था करे। G100 समूह की स्टेट चेयरपर्सन बनी बिहार की बेटी। बिहार की महिलाएं कितनी हिम्मत वाली है और आत्मनिर्भर है, ये बातें अब पूरी दुनिया जानेगी। आपको बता दें कि बिहार की मुजफ्फरपुर की बेटी रेणु पासवान आज पूरी दुनिया की महिलाओं की आवाज बन चुकी है। कभी मैट्रिक के बाद बाल विवाह के खिलाफ घर छोड़ने वाली रेणु पासवान आज 135 देशों की 100 ताकतवर महिलाओं में शामिल है। रेणु बिहार की ऐसी पहली महिला है जिसे G100 समूह का स्टेट चेयरपर्सन बनाया गया है। रेणु ने बताया कि 2018-19 के बीच लैंगिक समानता पर लिखी मेरी 3 किताबें आई, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी ही नहीं बदली भी। इसमें मैंने अपने संघर्ष को भी उजागर किया है। बाढ़ से सुरक्षा के लिए इस साल भी स्थानीय कामगारों से ली जाएगी सहायता।
प्रत्येक वर्ष मानसून के महीने में बिहार का अधिकतर क्षेत्र भीषण बाढ़ की चपेट में आ जाता है। संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए बिहार सरकार ने अभी से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी है। मौसम विभाग की माने तो इस साल मानसून अगले महीने 10 से 12 जून के बीच आने की संभावना है। ऐसे में सरकार ने इससे निपटने के लिए प्लान बना लिया है। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बताया कि वर्ष 2021 की बाढ़ अवधि में मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार तटबंधों की सतत निगरानी के लिए होमगार्ड की जगह हर किलोमीटर पर स्थानीय कामगारों को रखा गया था, जिससे काफी सहायता मिली और इस बार भी स्थानीय कामगारों की सहायता ली जाएगी। गंगा स्पर्श नौकायन अभियान का दूसरा चरण हुआ शुरू। एनसीसी बिहार और झारखंड निदेशालय के तत्वाधान में गंगा स्पर्श नौकायन अभियान का दूसरा चरण बीते दिन शुरू हुआ। एनसीसी बिहार और झारखंड निदेशालय के एडीजी मेजर जनरल एम इंद्र बालन ने सोजी घाट मुंगेर से अभियान के दूसरे चरण को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर एडीजी मेजर जनरल एम इंद्र बालन ने कैडेटों की सराहना की और आत्म अनुशासन, शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त होकर अभियान पूरा करने के लिए प्रेरित किया है। साथ ही उन्होंने गंगा और सभी जलाशयों को साफ रखने और पुनीत सागर अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने का आग्रह किया है। 15 जून को जारी किया जाएगा सहायक प्राध्यापक और सहायक अभियंता का रिजल्ट। बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के 306 पदों एवं भवन निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग के अधीन सहायक अभियंता के 245 पदों पर नियुक्ति के लिए अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन के लिए उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं। अब उनके इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। दोनों परीक्षाओं का रिजल्ट 15 जून को जारी किया जाएगा। लालू यादव के साथ पटना पहुंची मीसा भारती ने कहा, आज नहीं तो कल हमारी सरकार होगी ही। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बीते दिन देर शाम पटना पहुंचे। लालू यादव के पटना पहुंचने के बाद राजद कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया। लालू प्रसाद यादव बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के साथ अलग गाड़ी से 10 सर्कुलर रोड पहुंचे। पत्रकारों ने इस दौरान लालू के सामने कई सवाल उछाले, लेकिन उन्होंने किसी का जवाब नहीं दिया। लालू ऐसे समय पहुंचे हैं जब राज्यसभा के लिए प्रत्याशियों का चयन होना है और जातीय जनगणना को लेकर सियासत गरमाई हुई है। लालू यादव के साथ भारती भी पटना पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में आज नहीं तो कल हमारी सरकार बनेगी ही बनेगी। शिवानंद तिवारी ने लालू यादव को दी अहम सलाह। राजद के उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने राजद के अध्यक्ष को एक अहम सलाह दे डाली है। शिवानंद तिवारी का कहना है कि लालू प्रसाद यादव को अब राजद की पूरी कमान सौंप देनी चाहिए। शिवानंद तिवारी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए बताया कि अभी से पहले भी हमने राजद सुप्रीमो को यह सलाह दी है, लेकिन उन्होंने अनदेखी की। परिणाम स्वरूप उनका तो नुकसान हुआ ही, सामाजिक न्याय आंदोलन को भी नुकसान हुआ है। शिवानंद ने उम्मीद जताई है कि इस बार लालू जी उनकी सलाह का आदर करेंगे। बिहार में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी। देश के साथ साथ बिहार में कोरोना संक्रमण के मामलों में स्थिरता बनी हुई है। बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य में संक्रमण दर बढ़ी है। राज्य में कोरोना एक्टिव केस की संख्या बीते दिन के पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार 50 है। वहीं राज्य में महज 92,543 सैंपल की जांच हुई, जिसके बाद राज्य में 10 नए कोरोना के मामले मिले हैं, जिसमें राजधानी पटना में 5 कोरोना के मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं सीतामढ़ी, वैशाली और मुजफ्फरपुर में एक एक कोरोना के मामले की पुष्टि हुई है। वहीं देश भर की बात करें तो आज यानी गुरुवार को जारी किए गए पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के 2628 नए मामले सामने आए हैं। तलाक लेने कोर्ट पहुंचे पवन सिंह। भोजपुरी सिंगर और एक्टर पवन सिंह अपनी दूसरी पत्नी से तलाक को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। भोजपुरी स्टार पवन सिंह अपनी दूसरी पत्नी से भी तलाक ले रहे हैं। इस सिलसिले में गुरुवार को सुनवाई को लेकर पवन सिंह आरा के फैमिली कोर्ट पहुंचे। जानकारी के मुताबिक दोनों ने लगभग 20 मिनट तक कोर्ट के सामने अपनी बात रखी है। पवन सिंह के वकील के मुताबिक पवन सिंह और उनकी पत्नी ने आगे साथ रहने से मना कर दिया है। यही नहीं, इसके बाद अब पवन सिंह की तीसरी शादी की खबरें भी जोरों से चल रही है। विराट ने की रजत पाटीदार की जमकर तारीफ। लखनऊ सुपर जॉइंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेले गए एलिमिनेटर मुकाबले में बैंगलोर की टीम ने लखनऊ को कुल 14 रनों से हराया। इस मुकाबले में बैंगलोर के हीरो रहे रजत पाटीदार ने 207 की स्ट्राइक रेट से 54 गेंदों में 12 छक्के और 7 चौके की मदद से 112 रन बनाए और आरसीबी को क्वालिफायर 2 में पहुंचाया। मैच के बाद बातचीत के दौरान आरसीबी के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने पाटीदार की जमकर तारीफ की। विराट ने कहा कि रजत पाटीदार वो नाम है जिसे आप भविष्य में और भी बहुत बार सुनेंगे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है मोहम्मद नौशाद, नीलम कुमारी, नीतीश कुमार, कल्याणी चौधरी, सुरेंद्र कुमार, मिंटू कुमार, शंकर मुखिया, रंजीत मिश्रा, सलीम भाई। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। बिहार सरकार द्वारा जैविक खेती कराने की कोशिश मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी या नहीं? अपने आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।